नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के दुदही ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुबेरा भुवालपट्टी में। आप हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन है जो विगत एक दशक पहले का बनकर ये तैयार हुआ है। जब बन रहा था तो इस गाँव के जो है आसपास के लोगों में जो ये एक ललस जगह की जो है अब स्वास्थ्य संबंधी जो है हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इस गांव के लोग सोचे भी नहीं थे कि जो ये भवन बनेगा ये सिर्फ जो है हाथी का दांत बनकर रह जाएगा। आखिर में क्या वजह है कि जो है ये भवन बना लेकिन इसमें जो है ना तो किस कोई डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त हुए और ना ही जो है यहाँ से जो स्वास्थ्य संबंधी लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो किसी प्रकार का मिला। आप देख सकते हैं ये जो भवन है अब ये देख रेख ना होने के अभाव में जो है अब ये धीरे धीरे जो है ये जर्जर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए हम अंदर भी क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से जो है ये भवन जर्जर हो रहा है इसको भी हम आपको दिखाने का जो है प्रयास करेंगे। बता दें कि ये लाखों की लागत से जब ये बना था भवन तो ये बनकर जो है ये तैयार हुआ था। देख सकते हैं ये जो अब इसमें जो गेट जो लगे थे, जो दरवाजे भी लगे थे, वो भी जो है देख रेख ना होने के अभाव में जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है किस तरह से जो यहाँ पे जो दीवार जो है वो अब झड़ रहा है, जो सफाई वफाई भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये एक तरफ से यूँ कहे कि जो है ये देख रेख नहीं हो रहा है। देख सकते हैं इसमें जो है कि जो लोग हैं वो अब जो है इस जो रूम है उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसमें अब जो है ये करकट रख के जो है अब इसमें जो है एक तरह से जो यूँ कह सकते हैं जो है ये यहाँ पे जो लोग हैं वो अब कब्जा कर रहे हैं। देख सकते हैं ये जो है ये दरवाजा है, देख सकते हैं ये दरवाजा है और दरवाजा भी आप देख सकते हैं ये जो है ये अब पूरी तरह से जो है ये खत्म हो चुका है। देखिए इसमें जो ये सरसों का जो ये करकट होता है उसे जो है इसी गांव के जो लोग होंगे वो जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ जो है यहाँ पे इस भवन में जो है गंदगी का जो है चारों तरफ अंबार लगा हुआ है। क्या वजह रही कि जो है लाखों की लागत से जो है सरकार जो है यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनवाई और ये जो है एक दशक बीत जाने के बाद भी जो है ये चालू नहीं हो पाया, तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि ये भवन तेजी के साथ बना, ये शौचालय भी है, शौचालय की भी हम चाहेंगे स्थिति आप दिखा दें किस तरह से जो है शौचालय में जो भी है जो है यहाँ पे गंदगी का जो है एक तरह से अंबार जो है यहाँ पे लगा हुआ है। आखिर में जो जिम्मेदार है वो अपने जिम्मेदारियों से क्यों जो है वो मौन व्रत है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना 2010-11 में, हम लोग का ये था कि बन रहा है तो हम लोग को स्वास्थ्य संबंधित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन आज तक प्रशासन के पास हम लोग गए हैं, माननीय विधायक जी के पास भी गए हैं, कलेक्टर महोदय, CMO महोदय, सारे अधिकारियों के पास हम लोग गए हैं, अप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन प्रशासन यही कहती है कि अभी तक ये हैंडओवर नहीं हुआ है, हम लोग इसमें क्या करें। 2011 में ये भवन बना और अब तक जो है ये हैंडओवर नहीं हुआ है, क्यों? अब तो प्रशासन जाने, वो सरकार जाने, जिस सरकार में बसपा सरकार में ये बनी थी, ये सरकार क्या की, कैसे क्या हुआ, अब तो वही लोग बताएंगे, गांव के लोग हैं तो क्या बताएंगे। तो ये जब बना होगा तो ये आप लोग को भी काफी खुशी होगा कि बहुत खुशी था कि भाई हमारे गांव में जो है स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, अच्छा से इलाज होगा, सब लोग यहाँ सुविधा लाभ लेंगे, लेकिन कहीं कोई इसमें जो है एक पैसे का लाभ नहीं है और ये सारा जो है लाखों की लागत से जो है ये भवन बना होगा, बेकार हो। लोगों को जो है लाभ मिलेगा लेकिन अब जो है ये जर्जर हो रहा है, बेकार हो गया, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो इस पर वो कहा था कि NM बैठाएंगे तो डॉक्टर बैठेगा, आज तक कोई नहीं आया, कोई सरकार सुन नहीं रही है, नए अधिकारी सुन रहे हैं। जब सरकार को यहाँ पे किसी को भेजना ही नहीं था तो फिर ये इतना बर्बाद करने की क्या जरूरत है, जमीन इंक्वायर करने की जरूरत थी। क्या कहेंगे आप? अरे हम लोग का ऐसा था कि भवन बन करके हमारे ग्राम सभा का विकास होगा नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। 2015 से अभी तक मैं 2-3 बार दौड़ चुका हूँ। आप इसी गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं? जी 2015 से अब तक मैं CMO साहब के पास भी जा चुका हूँ, DM साहब के पास भी, मैं हमारे पास उसका सब प्रस्ताव दिया हुआ रिकॉर्ड भी है, जब हम जाते थे लेकिन उनके पास कहने पे ये भाई हैंडओवर नहीं हुआ है, जो कि मान लीजिए ये 2011 में बना हुआ था, आज हमें लग रहा है कि 15-16 साल हो गया और अभी तक इसका। लेकिन कोई भी सरकारी भवन बनता है तो यही आस रहता है कि जो बनेगा तो इसमें जो है इस क्षेत्र के जो है लोगों को लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन जब ये 2011 में बना और ये 2023 है, क्या हो जाए कि इतना लंबा समय होने के बावजूद भी जो है अब तक इस तरह से? अब ये तो सरकार ही बताया, क्योंकि हम लोग का काम है कि दौड़ना, हम लोग गए अपना प्रस्ताव दिए कि भाई ऐसा ऐसा हमारे गांव में भवन बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, कुछ इसके ऊपर कार्रवाई किया।
जैसा कि आप देख रहे हैं इसी गांव के जो ये प्रधान प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बताया गया है कि दुधई जो प्रभारी हैं वहां से लेके जिले स्तर के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस जो भवन है उसे अनदेखी कर दिया गया। कम से कम यहाँ से हम लोग के दूरी केंद्र की दूरी कम से कम 8 से 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ के हमारे ग्रामवासी बहुत ऐसा तो नहीं है कि इस गांव में कहीं स्वास्थ्य केंद्र हो जिसके वजह से कहीं कुछ नहीं है यही है बिल्डिंग और हमारे यहाँ से कम आधा किलोमीटर भी नहीं लगता, मतलब 50 मीटर की दूरी में मूसर बस्ती भी है और ये हमारा एरिया बहुत गरीबी इलाका है। इनको भी अगर उपचार करने के लिए जाना पड़ता है तो अपना चाहे डायरेक्ट डीएम जिले पे जाएंगे या फिर अपना दुधई ब्लॉक, यानी दुधई ब्लॉक कम से कम इसकी दूरी पड़ती है 13 से 14 किलोमीटर और यहाँ पे कई आसपास में उपकेंद्र कहीं भी नहीं है। रात में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मान लीजिए किसी को कुछ हो जाए तो उसको ले जाने के लिए जिले पे लेकर जाना पड़ता है, तो उसके बाद अगर नहीं हुए तो दुधई लेकर जाना, तो और बीच रास्ते में क्या हो जाए कौन जाए और रास्ता भी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो सरकार है वो काफी जो है कटिबद्ध है कि जो लोग जो गांव के लोगों हैं उनको जो है एक अच्छी सुविधा मिल सके। उसके बावजूद भी देख सकते हैं यहाँ पे जो ये भवन बना है, भवन बनने के साथ साथ बना होगा तो यहाँ के लोग भी चाहते होंगे कि जो यहाँ पे जो एनएम है जैसे जो डॉक्टर है वो नियुक्त हो कि जिससे इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जो है लाभ मिलेगा। यहाँ से कितना जैसे दूरी जाना पड़ता होगा और कितना कठिनाई होती है? कठिनाई तो बहुत है, सड़क भी ऐसे देख ही रहे हैं आप सब, सड़क भी यहाँ की खराब है और यहाँ से जिले की दूरी लगभग जिले मुख्यालय की दूरी कम से कम अपना 18-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से ज़्यादा है और यहाँ से ब्लॉक की दूरी अपना दुधई ब्लॉक की दूरी है 10 से 12 किलोमीटर। अब इतने में देख लिया आपको रात बिरात 12 बजे 2 बजे रात में जाना हो तो कितनी आदमी कठिनाई करनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? इंदू। अच्छा, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बना था लेकिन चालू नहीं हो पाया। हाँ, हमने को तो बीमार पड़ ले जाए तो जाए ले जाए पड़ा ना ना तो दूध ही यानी कौन डॉक्टर ही नहीं। कितना दिक्कत होता होगा रात बिरात? बहुत परेशान, हर एक दुख की परेशानी बहुत काफी हो रहा। रास्ते में आदमी मर भी जाता है। कितना आदमी रास्ते में 10 दिन भले को घटना भले जाए जाए रास्ते में मर गई तो अभी काज काम कजिया होता, बहुत लोग मर जाता, दूध ही पड़ावना पटनी जात भर में लोग मर जाता। नहर तक लगी दूरी पड़ता होगा? हाँ, बहुत दूरी पड़ता है तो आदमी मर जाता है ना। आस पास में डॉक्टर है ना कि जे दवाई हमने के हो यही बार हमारे बा शुगर बा ब्लड प्रेशर बा धड़कन बा हार्ट के बा आ जाता जे पड़ाव ना तो ठीक बा नहीं तो वही तरह से रहता नहीं जा। अब पता रास्ते में घटना घट जाए तो क्या करिए, दूर होने के वजह से जो है आपको स्वास्थ्य संबंधित से जो है लाभ नहीं मिल पाता है। अगर ये जो भवन बना है अगर इसमें जो है जो डॉक्टर एनएम अगर सरकार यहाँ पे नियुक्त कर दे तो स्वास्थ्य संबंधित काफी लाभ मिलेगा। तो इमरजेंसी में कुछ तो कंट्रोल करती जाए, चाहे वो सबसे नीमन आदमी हो जाए, चाहे कंट्रोल करती जाए तो आदमी जाए तो बीच में तो मरित तो नहीं इतना रुपये खर्चे करके का को नहीं जाए में के हुआ नहीं एक मनो सूचना वो सब दी जाए। अच्छा, आप सरकार से क्या निवेदन करेंगे? यह करम जे कोनो डॉक्टर में सबको बैठा दी जाए, बहुत हमनी का तकलीफ बा, बहुत काफी तकलीफ बा, बच्चा से आ सियान ले सब जात भर में मर जाए लेके जाए जाए। देख रही है जो ये इसी गांव की जो है ये चाची है कितना अंदर से जो है एक दर्द है कि जो है वो बयां नहीं कर सकती है। जैसा कि इनका कहना यही है कि अगर यहाँ पे डॉक्टर अच्छे नियुक्त हो जाएंगे तो हम लोगों को जो है इलाज में काफी राहत मिलेगा, हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। बता दें कि यहाँ से अगर हम ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अगर हम यहाँ से जिला की बात करें तो यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर यहाँ से जिला है। अगर आप सोच सकते खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24।